आइए मित्रों, आज एक नए विषय को, नए पाठ को आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ। देखते हैं, यात्रा करते हैं, पाठ क्या है। व्याकरण का वो भाग जिसको हम अक्सर देखा करते हैं। आप सभी का विवेक चैनल में सुस्वागत है। विषय है संज्ञा में विकार। आगे हमने संज्ञा के विषय में बहुत अच्छे से अध्ययन किया, सीखा। आज हम संज्ञा में विकार को देखेंगे। कौन से विकार संज्ञा में हैं, विकार का मतलब क्या है, विकार के कारण संज्ञा में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं, इनको देखने की प्रयास करते हैं। आइए हमारी यात्रा प्रारंभ करें। संज्ञा क्या है, संज्ञा में विकार क्या, चेष्टा करें। ये हमारा विवेक चैनल द्वारा है। स्वामी जी कहते हैं, arise, awake, stop not till the goal is reached। इस प्रकार से हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। हम प्रयत्नशील है, आगे देखेंगे, चेष्टा करेंगे क्या है, प्रयास करेंगे। हम प्रयासरत हैं। क्या विषय है, देखिए, संज्ञा में विकार। संज्ञा में विकार किसे कहा जाता है? संज्ञा में विकार का मतलब, संज्ञा शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो लिंग, वचन और कारक के कारण उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसे संज्ञा में विकार आना कहते हैं। विकार यानी कि परिवर्तन आना, बदलाव आना। और देखिए, विकार का अर्थ है बदलाव। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। संज्ञा जो शब्द है ये विकारी शब्द है, विकार से भरा। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। जब लिंग में परिवर्तन हो जाता है तो संज्ञा शब्द में परिवर्तन हो जाते हुए हमने देखा है। जब वचनों में परिवर्तन हो जाता है, जब वचन बदलते हैं तो फिर संज्ञा शब्दों में भी परिवर्तन होते हुए हमने देखा है। जब कारक बदलते हैं तो भी संज्ञा शब्द में परिवर्तन आ जाता है। आइए, क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं संज्ञा में, इसको समझने की भरसक प्रयास करें। मूल रूप से लिंग के बारे में प्रथम देखेंगे। संज्ञा में विकार, संज्ञा शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो लिंग, वचन और कारक के कारण उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। कैसी परिवर्तन, देखिए परिवर्तन क्या, जैसे एक पंक्ति हम यहाँ आपके समक्ष आगे बढ़ा रहे हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़का जो शब्द है ये संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा का एक शब्द, जातिवाचक शब्द, संज्ञा शब्द। इसमें क्या क्या परिवर्तन किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं, इन उदाहरणों से समझने के प्रयास करें। देखिए, लड़की पढ़ रही है, यहाँ लड़के का तुरंत लड़की में बदल जाना, इसका क्या कारण हो सकता है? हमने ब्रैकेट में लिखा है लिंग के कारण विकार। यहाँ लिंग के कारण विकार, क्योंकि एक लड़की एक स्त्रीलिंग है, तो लिंग के कारण यहाँ वो लड़का जो मूल शब्द था संज्ञा का, वो बदल कर लड़की बनते हुए हमने देखा। आगे हम देखेंगे, लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ लड़के एक ही शब्द था, मूल शब्द लड़का, फिर लड़का को लड़की, फिर यहाँ लड़के होते हुए हमने देखा है। लड़के पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ वचन में परिवर्तन हुआ, वचन यानी कि एक वचन से बहुवचन होते हुए हमने देखा, यहाँ बहुवचन हो गए। बहुवचन होते हुए यहाँ पर लड़के के जगह या लड़का के जगह लड़के होते हुए हमने देखा। आगे देखेंगे, लड़कों को पढ़ना है, यहाँ देखिए, यहाँ कारक में जो परिवर्तन है, कारक के कारण संज्ञा में ये विकार आया है। जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों, कितना परिवर्तन होते हुए हमने देखा है। इन सारे चीज़ों की आज जानकारी लेते हैं। मूल आज लेंगे हम लिंग के कारण संज्ञा में आने वाले परिवर्तन को आज देखने की चेष्टा करेंगे। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे वचन के कारण किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं और कारक के कारण क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। आइए यात्रा को आगे बढ़ाएं। लिंग, अभी लिंग की जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम, प्रायः सभी संज्ञा पद या तो
पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। जितने भी संज्ञा शब्द हैं वो प्रायः संज्ञा शब्द, यहाँ प्रायः एक शब्द का व्यवहार है, संपूर्ण नहीं बोल सकते, प्रायः ज़्यादातर सब संज्ञा शब्द के जो पद होते हैं, पद मतलब शब्द, जो शब्द हैं संज्ञा शब्द वो या तो पुल्लिंग होंगे या तो स्त्रीलिंग। देखें और जानने की चेष्टा करें और जानने के प्रयास करें। देखिए केवल पुल्लिंग शब्द, ये शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, भले ये संज्ञा शब्द हैं लेकिन ये कभी स्त्रीलिंग नहीं हो सकते, सीधे सीधे स्त्रीलिंग नहीं होते। देखिए जैसे कौवा, खटमल, गीदड़, मच्छर, मगर आदि, ये जो शब्द हैं इन शब्दों से पहले मादा शब्द जोड़कर इनका स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कौवा, खटमल, गीदड़, मच्छर, मगर, ये जो शब्द हैं, ये जो संज्ञा शब्द हैं, इनके सामने मादा शब्द लगाकर इनका स्त्रीलिंग रूप लिखा जाता है। उदाहरण हम समझने की चेष्टा करें, पहले देखें हम यहाँ पर देख रहे हैं कौवा, कौवा एक प्रतीकात्मक चित्र में, खटमल, गीदड़, मच्छर हमने देखा है, मच्छर को अक्सर देखते हैं, और ये मगर, ये जितने भी चित्रात्मक एक चित्र के शैली में हमने आपके समक्ष रखा है इनको समझें। कौवा, फिर से पुनः बोल रहा हूँ, खटमल, गीदड़, मच्छर, मगर, ये जो है इनका हमेशा ये पुल्लिंग रूप में रहते हैं, और इनका अगर हमें स्त्रीलिंग रूप बनाना है तो इनके सामने हमें मादा शब्द जोड़ना होगा। कैसे, आगे यहाँ देखने की प्रयास करें, आइए किस प्रकार से हो सकते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द हैं, अभी ये देखिए कौवा, ये जो कौवा है, खटमल है, गीदड़ है, मच्छर है, ठीक है, मगर, इनका जो स्त्रीलिंग रूप है क्या हो सकता है, जैसे मादा कौवा, फिर मादा खटमल, मादा गीदड़, फिर मादा मच्छर, मादा मगर। देखिए इनके सामने हमने मादा का प्रयोग किया तो ये स्त्रीलिंग बन गए, इस प्रकार से इनमें परिवर्तन आ जाता है। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग रूप इस प्रकार से हम बना सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा इन शब्दों को। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इनके बारे में देखें, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग के रूप में और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रूप में लिखे जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग के रूप में लिखे जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रूप में लिखे जाते हैं। जैसे समझने की प्रयास करें, पुल्लिंग शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में लिखे जाते हैं, जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, देखिए क्या क्या पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम, जितने भी देश हैं, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जितने भी देश हमारे सामने आते हैं सारे के सारे पुल्लिंग के रूप में लिखे जाते हैं। फिर पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वत हैं, आल्पस है, हिमालय है, नीलगिरी है, इस प्रकार से जितने भी हमारे पर्वत आते हैं पर्वतों के नाम पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। पेड़ों के नाम, जितने भी पेड़ हैं, नीम के पेड़, ठीक है, बरगद का पेड़, आम का पेड़, ये जितने भी पेड़ हैं ये पेड़ पुल्लिंग शब्द हैं। धातुओं के नाम, सोना, ऐसे करके हम बहुत सारे चीज़ों को लिखते हैं, धातुओं के नाम सारे के सारे किस में आ जाते हैं, पुल्लिंग शब्द में, ठीक है। अनाजों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, समुद्रों के नाम, व्यवसाय सूचक जो शब्द होते हैं वे, रत्नों के नाम, ग्रहों के नाम, और ऐसे होते हैं, और क्या क्या हो सकते हैं। देखिए हमेशा पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द, कुछ कुछ संज्ञा शब्द जो भाववाचक हैं, जिनमें प्रत्यय, कुछ प्रत्यय जुड़े हुए हैं, प्रत्यय के साथ आने वाले जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं वो भी हमेशा पुल्लिंग के रूप में लिखे जाते हैं। वो क्या हो सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करें, क्या क्या प्रत्यय है यहाँ पर आपके समक्ष मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए ये सारे
ये जो हमारे सामने दिख रहे हैं आओ, पन, आवा, पा, ना, अर्थी, दाता, ये जो शब्द हम यहाँ देख रहे हैं, इन शब्दों को ये जो यहाँ ये पूर्ण शब्द नहीं है, ये प्रत्यय हैं जो शब्द के पीछे जुड़कर एक नया मूल शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द गठन करते हैं, बनाते हैं। ये भी संज्ञा में विकार में सहायता करते हैं, संज्ञा के जो विकार होते हैं विकारों में इनका भी स्थान है। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने आगे आप लोगों को कहा था ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम में जैसे बुध है, बृहस्पति ग्रह है, शुक्र है, मंगल है, इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार के ग्रह हो सकते हैं, लेकिन एक अपवाद है, अपना जो ग्रह है, हमारी जो पृथ्वी है, ये हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही लिखी जाएगी। पृथ्वी ही एक अपवाद है, बाकी जितने भी ग्रह हैं उनके नामों को हम हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही जानेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे धातुओं का नाम मैंने यहाँ आप लोगों के सामने बताया था, धातु सोना होगा, पीतल होगा, लोहा होगा, तांबा होगा, इत्यादि विभिन्न धातु हैं, सारे धातुएं पुल्लिंग के रूप में लिखे जाएंगे, लेकिन एक अपवाद है, हमेशा याद रखिएगा, चांदी, जो चांदी है, चांदी हमेशा स्त्रीलिंग रूप में है, उसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार महीनों के नाम, जिस प्रकार से हमने यहाँ देखा महीनों के नाम, महीनों के नाम में या दिनों के नाम में अगर हम देखेंगे तो ये जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये तो जितने भी दिनों के नाम हैं ये सारे पुल्लिंग के रूप में लिखे जाएंगे, लेकिन महीनों के नाम में तीन जो महीने हैं अंग्रेजी के, इनको हिंदी में हमेशा स्त्रीलिंग रूप में लिखा जाएगा, जनवरी, फरवरी और मई, हमेशा याद रखिएगा, जनवरी, फरवरी और मई, ठीक है, इनको याद रखना होगा, ये अपवाद हैं, ये इस प्रकार से लिखे जाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था आओ, पन, आवा, पा, ना, अर्थी और दाता, ये जो प्रत्यय लगे होते हैं शब्द के पीछे, ऐसे प्रत्यय जुड़े हुए जितने भी शब्द होते हैं वे सारे के सारे भाववाचक जो संज्ञा शब्द हैं ये पुल्लिंग रूप में लिखे जाते हैं। जैसे बहाव, ठीक है, कटाव, बचपन, जैसे पन लगा बचपन, अपनापन, दिखावा, जो वा लगा, आवा लगा दिखावा, ठीक है, भुलावा, फिर बुढ़ापा, मोटापा, पा लगाने वाले शब्द, ठीक है, फिर ना में हम बोल सकते हैं खाना, हंसना, अर्थी में भी हम बोल सकते हैं विद्यार्थी, शरणार्थी, अभी दाता में हम बोल सकते हैं मतदाता, ठीक है, ऐसे जितने भी शब्द आते हैं आओ, पन, आवा, पा, ना, अर्थी, दाता, ये जितने भी प्रत्यय जहाँ पर भी जुड़े हों इनको आपको कंठस्थ करना होगा, घर में देखना होगा अच्छे से, ये हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही व्यवहार में आएंगे। आगे देखें, आगे कुछ स्त्रीलिंग शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा, जैसे आप पहले हमने देखा पुल्लिंग के रूप में, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे मैना, मक्खी, छिपकली, गिलहरी, मछली, तितली, जोंक आदि, सारे के सारे शब्द ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। अभी जैसे मैना, हमें समझना पड़ेगा कि मैना कहीं पर भी लिखा है तो ये स्त्रीलिंग ही है, अगर इनका पुल्लिंग लिखना है तो हमें उनके सामने नर जोड़ना होगा। जैसे यहाँ हम समझने की कोशिश करें, कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये मैना, फिर ये मक्खी, छिपकली, गिलहरी, मछली, तितली और ये जोंक, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं, इनके सामने नर शब्द जोड़कर आप इनका पुल्लिंग लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है इनके बारे में तो कहीं पर मैना लिखा है
तो ये स्त्रीलिंग एकदम से आपको समझना है कि ये स्त्रीलिंग, अच्छा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इस प्रकार से नहीं, मैना मतलब स्त्रीलिंग में लिखा है। अगर उसका आपको मादा, उसका अगर आपको पुल्लिंग रूप बनाना है तो सामने आपको नर मैना, नर मक्खी, नर छिपकली, नर गिलहरी, नर मछली, नर तितली, नर जोंक, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। इन सारे बातों को आज मैंने एक छोटे से वीडियो द्वारा आपके समक्ष रखा है। आने वाले दिनों में हम, आज तो हमने संज्ञा के कारण आने वाले परिवर्तन को देखा, संज्ञा में जो विकार हैं वो लिंग के कारण किस प्रकार से परिवर्तन आ जाते हैं इसको हमने देखा। आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे क्या, वचन के कारण और कारक के कारण आने वाले परिवर्तन को आपके सामने में आने वाले दिनों में रखना चाहूँगा। आज इतना ही, आप कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों को आगे बढ़ाएं, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और नए नए कुछ आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। सभी को प्रणाम।